पूर्व प्रधान है, उनके बेटे राहुल यादव के साथ में है और काफी देख सकते हैं यहाँ सीताराम भैया है, यहाँ पप्पू यादव सिपाही जी हैं और यहाँ मुलायम मास्टर जी हैं जो अध्यापक हैं, यहाँ गोलू बाबू हैं जो देख सकते हैं और यहाँ पे काफी लोगों का जमावड़ा है। और अभी छठ घाट पे सुबह के टाइम का ये नजारा है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भैया जो बड़े भैया घोरा भैया के साथ में हूँ और यहाँ पे छठ पूजा का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं हर साल एक कार्यक्रम होता है क्या घोरा भैया? हाँ हर साल होता है, तन मन से करते हैं। तो यहाँ पर अभी अर्घा का टाइम है। हाँ अर्घा का टाइम है, तो अभी अर्घा का टाइम अभी देख सकते हैं। राकेश भैया है, सुनील यादव ठेकेदार चाचा जी है और अंचल यादव है और राहुल यादव के भाई है जो मित्र है हमारे। तो अभी इधर देख सकते हैं मैं वही रामापट्टी घाट में हूँ और रामापट्टी घाट में देख सकते हैं काफी महिलाओं का और वहाँ पे काफी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है। जो अभी मैं जहाँ पे हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे वरिष्ठ जो हमारे गांव के वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं काफी सिपाही जी भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन लोगों के सामने में हूँ और यहाँ के जो वरिष्ठ पूर्व प्रधान जी हैं जो दीनानाथ यादव जी देख सकते हैं और वर्तमान प्रधान जो हमारे ग्राम के वर्तमान प्रधान है जो दीपक सिंह है वहाँ पर देख सकते हैं और काफी लोग जो गांव के वरिष्ठ लोग हैं उन लोग के सामने में हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो छठ पूजा का समापन है सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम हम ये लोग से तो ये रामापट्टी का घाट है, रामापट्टी घाट में देख सकते हैं काफी उत्सुकता है लोगों में और यहाँ पे देख सकते हैं काफी थोड़ा कैमरा मैन को चाहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाइए। यहाँ पर जो अर्घा का टाइम है वो अर्घा हो रहा है और काफी लोग अभी मैं छठ घाट पे हूँ देख सकते हैं और काफी लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा छठ पूजा हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर छठ घाट पे हूँ जो देख सकते हैं चारों तरफ छठ पूजा हो रहा है और यहाँ पर मैं हूँ और काफी यहाँ पे जनता लोग है और काफी भीड़ आपको देखने को मिलेगा और